देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें क्या कह रहे हैं, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्स व्हील एंड रोडवे इज 0.5, यानी आपको म्यू दिया गया है। ठीक है, क्या निकाला, लीज डिस्टेंस इन विच कार कैन एक्सीलेट, यानी लीज डिस्टेंस एस निकालना है, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले बेटा इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18, समझते हैं बेटा, 4 टाइम चला गया, यानी 5 × 20 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अगर u दिया है तो सबसे अच्छा तरीका यही है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब समस्या आपके पास ये आ गई कि चलिए u जीरो है तो s बराबर हाफ at स्क्वायर, यानी a पता चल जाए और t पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको a पता चल जाए, a निकालना बहुत आसान है। जब भी कहीं आप एक्सीलेट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, अप्लाइड फोर्स के बराबर, तभी आप चलेंगे। तो यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के पास। अप्लाइड फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलेशन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू टाइम रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है बेटा, एमजी होता है, यानी कि आपको एक्सीलेशन मिल गई जो कि म्यू टाइम जी थी। जी इन्होंने बोला है कितना है बेटा, 10, और म्यू आपका 5 है, गुणा कर लीजिए, यानी आपको एक्सेलेशन मिल गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अभी भी आपकी समस्या नहीं हल हुई है, अभी भी आपको टी चाहिए, तो टी आप यहां से निकाल लीजिए। आप जानते हैं वी बराबर यू प्लस एटी होगा, इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉस्ट रेस्ट, और वी आपका कितना हो गया है, 20 हो चुका है, ए कितना है आपका, 5 है इंटू टी, 5 × 20, यानी टी आपके पास कितना आ गया बेटा, 4 सेकेंड। अब दोनों वैल्यू को यहां रख दीजिए, ये हो गई 5 और टी हो गई 4, ये हो गया 5, तो ये हो गया 4, 2 × 4, 5 × 10 और 4 = 40 मीटर। यानी ऐसे सूरत हाल में वो 40 मीटर तक मैक्सिमम जा सकती है। इस पर डिपेंड कर रहा है, इस बात के ऊपर। तो जब आप सवाल पूछा कीजिए तो अपना नाम और शहर का नाम डाल दिया कीजिए। आपने हमसे यूट्यूब पे पूछा है तो बेहतर ये होगा कि उसको आप नाम और शहर का नाम जरूर लिखें।